हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का 9:30 बज रहा है। मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह अभी तुरंत मैं बना के हटी हूँ। और आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, नर्सरी से लाया हुआ कुछ प्लांट्स जिसमें कि फूल आने लगे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर इस फ्लावर का। और 4 प्लांट्स में लेके आई थी फर्स्ट को, अब मैं सोच रही हूँ कि इन सबको पॉट में डाल दूँ, बट देखती हूँ आज करूँगी या कब करूँगी। अभी कुछ मतलब सर्टेन नहीं है, बट ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मुझे जल्दी इन्हें पॉट में डालना होगा। गाइस देखिए मेरे पीछे कितना ये कपड़ा का बाजार लगा हुआ है, तो इन सबको भी ना मुझे अरेंज करना है। एक्चुअली बहुत सारे ट्रिप कपड़ों के धुले थे कल, तो सब सूख के, अभी सब सूख चुके हैं, तो इन सबको भी अरेंज करना है मुझे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पॉट में डालूँ उन प्लांट्स को या कल कर पाऊँगी, देखती हूँ। फिलहाल तो अभी 9:30 बज रहा है और शिवाय का क्लास है, ऑनलाइन क्लास, तो वो मुझे करवाना है, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। पहले शिवाय रेडी हो चुका है और अभी मेरे हस्बैंड शायर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर शिवाय का क्लास करवाना है, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे ये नहीं पता है, तो इसलिए वो मुझे लग रहा है कि आज अगर हुआ तो ठीक है पॉट में मैं डाली, तो नहीं तो मैं वो कल ज़रूर करूँगी। बस यही है, तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं क्योंकि करना है ब्रेकफास्ट, उसके साथ उसके बाद बहुत सारे काम है, तो मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइज मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में और हम लोगों के लिए मैं डिनर प्रिपेयर करने जा रही हूँ। तो डिनर ना आज बहुत ही स्पेशल सा बन रहा है। आज बन रहा है खीर, दलपूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने 1 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और मैं मॉर्निंग में ही चना दाल सोख होने के लिए रख दी थी, तो अभी अच्छे तरीके से वो सोख हो चुका है, तो मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ उसमें। मैं कढ़ाई को गर्म की हूँ, तेल ऐड की हूँ, उसमें ऐड की हूँ जीरा, हींग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और सोख किया हुआ दाल डाल के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ और साथ में नमक, थोड़ा सा चीनी और हल्दी पाउडर डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे कवर करके और कुक होने के लिए छोड़ दी हूँ। इन द मीन वाइल दूध जो मैं चढ़ा के रखी हुई थी 1 लीटर बॉयल होने के लिए, वो बॉयल हो गया, तो मैं इसमें ऐड की हूँ थोड़ा सा चावल और चावल को अच्छी तरीके से मैं धो ली थी, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ और साथ में सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल गर्म किया, उसमें ऐड की हूँ थोड़ा सा अजवाइन, हींग, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, धनिया गोटा और काला सरसों और थोड़ा सा मंगरेला, और जैसे ही सारा जो खड़ा मसाला मैं ऐड की थी वो स्प्लटर कर गया, तो इसमें ऐड कर दी हूँ आलू। इन द मीन वाइल दाल को भी मैं चेक कर ली हूँ एक बार, और इसमें इस स्टेज पे मैं ऐड की हूँ लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ खीर को भी एक बार स्टर दे दी हूँ और आलू भी फ्राई कर रही हूँ। अभी कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और फिर अगेन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। काफ़ी कलरफुल दिखने लगा इस स्टेज पे मेरा जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ वो, तो इस स्टेज पे इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटोस। तो यहाँ पे थोड़ा कम मैं टमाटर ली हूँ, अभी इसमें एडजस्ट कर दी हूँ सॉल्ट और थोड़ा सा चीनी। जैसे ही मसालों में से तेल छोड़ना शुरू कर दिया सब्ज़ी का, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड की हूँ दही और सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे भून रही हूँ अच्छे से। 1 से 2 बार स्टर देने के बाद मैं इसमें एडजस्ट कर दी हूँ पानी और थोड़ा पतला ही रखी हूँ क्योंकि लेटर ऑन आपको बताऊंगी कि इसका कंसिस्टेंसी कैसे एडजस्ट होगा। अभी फ़िलहाल प्रेशर कुक होने के लिए मैं रख दी हूँ सब्ज़ी को, और मेरा खीर भी अब ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है, थोड़ा देर और कुक होने दूंगी। और एक बार अगेन स्टर दे रही हूँ मैं दाल में, इसी स्टेज पे मैं दाल में ऐड कर दूंगी हरा धनिया
काफ़ी कलरफुल दिखने लगा है दाल। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से अगेन मिक्स दे दूंगी। और ये कलछुल है, उसके बैक से दाल को अच्छी तरीके से स्मैश कर लेंगे इस तरह से। तो मेरा खीर भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो इसमें भी मैं ऐड कर रही हूँ खजूर गुड़। और कभी भी ना फ्लेम पे रख के इसमें ऐड नहीं करना है खजूर गुड़ को। और खजूर गुड़ का कुछ इस तरह से आप फ्लेक्स निकाल लीजिए, और गैस को बंद होने के बाद ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर गैस पे ये चढ़ा रहेगा और तब उस स्टेज पे इसमें डालने पे खीर फट सकता है। अभी आलू का सब्ज़ी भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। और देखिए किस तरह से मैं आलू को फोड़ते जा रही हूँ। तो बस सब्ज़ी की जो ग्रेवी है उसका कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो गया, और बहुत ही यम्मी लगता है ये सब्ज़ी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा ऐसे। और अब मैं बनाने लगी हूँ हम लोगों के लिए दाल का पूड़ी। एक्चुअली ये रोटी है, बट हम लोग दाल पूड़ी ही इसे बोलते हैं। आप फ्राई कर लीजिए या फिर तवा पे सेक लीजिए, दोनों को हम लोग दाल पूड़ी ही बोलते हैं। तो इस तरह से मैं दाल पूड़ी बना रही हूँ। मैं बहुत बार क्या करती हूँ, दाल को मैं मिक्सर ग्राइंडर पे भी चला लेती हूँ, बट इस दिन मैंने मिक्सर ग्राइंडर पे नहीं चलाया था। और जो चम्मच है बड़ा वाला, उसके बैक से इसको अच्छी तरीके से स्मैश कर ली थी। बहुत आसानी से हो जाता है ये, बट इस तरह का जो दाल का पीसेस अगर आता है ना रोटी में, तो वो और भी टेस्टी लगता है। वो जब सिक जाता है तवा पे, तो वो एकदम एक क्लियर बन जाता है, क्रिस्पी क्रिस्पी। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चलेगा डिफरेंस। और बस इसी तरह से सभी रोटियों को मैं सेक ले रही हूँ। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल से रोटियाँ सेक रही हूँ। आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं, घी से बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो गाइज़ यही एक कॉम्बिनेशन दाल पूड़ी खीर और आलू की सब्ज़ी का, तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं घर पे। आप लोगों का कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस कॉम्बिनेशन है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये है आज का डिनर, दाल भरा पूड़ी, सब्जी आलू का, खीर गुड़ वाला, खीर खजूर गुड़ वाला, खीर खजूर गुड़ वाला, खीर। और शिवाय क्या कर रहा है, कैसे मम्मा को खा के दिखाओ। ओके, डांस करके खाना नहीं खाया जाता है।